हरकत तिरछा बैठी, हरकत तिरछा, हाँ बस ठीक है। नमस्कार, आदाब, सलाम, मैं सरवत खान अपने एक नए बच्चे के साथ में, इसका नाम तुबा है, ये मेरे पहले से यूट्यूबर हमारे हैं और बेहतर रिस्पांस देते हुए आए हैं। आपने हमारे पास में हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे मोटिवेशन बातों को बताया है, बहुत सारे शॉर्ट क्लिप्स दिए हैं और एजुकेशन से और ट्रेनिंग से अटैच बातें करी हैं, कुछ नाते भी पढ़ी हैं आपने। हमेशा हर एक त्योहारों में एक्टिव रहने वाले बच्चों में से आप रहे हैं पास में, लेकिन हमने कहा है कि अपने पढ़ने वाले फिरदौस कंप्यूटर में बच्चों को किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, हर एक बच्चा अपने संदेश को इसको देगा यानी इंटरव्यू देगा। इंटरव्यू क्या है, थोड़ा सा परिचय बच्चे का है। तो आज हमारे बीच में तुबा है, वो अपने बारे में, तुबा आपको तीन बातें अपने बारे में बताइए, फिर हम अपनी बातों को आगे शुरू करते हैं। बताइए अपने बारे में। मेरा नाम तुबा जमील है, हम सेखराय पटिया में रहते हैं और मेरे पापा का नाम मोहम्मद जमील अहमद है। ओके, आपका पापा का नाम और आपके नाम के साथ में मिलता है, तुबा जमील, मोहम्मद जमील की बेटी। ओके, तो पर आपने कहा शेख सराय पटिया में रहते हैं, आप कितना पढ़े हुए हैं? सर हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। कंप्लीट हो गया आपका? जी सर। ओके गुड, पढ़ाई से प्यार है आपको? जी सर है, बिल्कुल है। अच्छा ठीक है, एक बेतुका क्वेश्चन हमारे जो है उसमें संस्था में सुन सकते हैं, हम बोलना नहीं चाहेंगे अभी, वो हमारे बिस्तर में बैठी हुई हैं सिमन चौरसिया, ये सुन चुकी हैं। एक बच्चे से कहता पढ़ना क्यों चाहिए, तो विकास दुबे ने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया था, पढ़ना क्यों चाहिए, ठीक है ना। तो आज हम पूछेंगे पढ़ना क्यों चाहिए। सर हमको पढ़ना इसलिए चाहिए कि हम अपना अच्छे से परिचय दे सकें। आखा परिचय दे सके जी सर। अरे पढ़ने से और क्या फ़ायदे हैं अगर नौकरी नहीं करते तो? सर पढ़ने से बहुत से सारे फ़ायदे हैं। अगर नौकरी नहीं करा घर में रहे तो पढ़ने से क्या फ़ायदा? कि अपने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं, अपने खुद के बच्चे या अपने पड़ोसी के बच्चे, अपने पड़ोसियों को अपने खुद के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। आपने फिरदौस कंप्यूटर क्यों ज्वाइन किया अपने, आप बोल लेते हैं? जी सर हमने फिरदौस कंप्यूटर इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि हमें कंप्यूटर में थोड़ा इंटरेस्ट था और आपके बारे में भी बहुत कुछ सुना था कि हमें फिरदौस कंप्यूटर के सर सरवत खान सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। शुक्रिया इज्जत देने के लिए, और ये बात आपने सुना जो उसको जाया, ये जायज़ है नाजायज़ तारीफ मेरी हो रही है? सर जायज़ है, मेरी आंटी आपकी फ्रेंड रह चुकी हैं आपको। ओके ओके ठीक है, सुनना चाह रहा था जो पूरे से मैंने, ठीक है। हम पूछेंगे जैसे भी आपने पढ़ाई के प्यार के बारे में बताया, क्या वाकई आप पढ़ाई से प्यार करते हैं आप? जी सर बिल्कुल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी हो रही है ये सब बातें। अभी तक सारे क्वेश्चन तो हमारे अच्छे हैं, अब आइए माँ बाप से अटैच बात आइए। बच्चे एक्टिंग भी करते हैं, हमने मेरे पास में एक ऐसा आदमी मिला यहाँ अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, हम उसका नाम नहीं लेंगे, वो जानता है मेरे मिलने वाला है, और जब उसने अपने घर बुलाया तो अपनी बीवी से अपने बच्चों से ख़राब तरीके से बात करा, तुमको दो रंग मालूम पड़ा, बाहर समाज में अच्छे कपड़े पहने हुए सफ़ेद कुर्ता पहने अच्छी बातें कर रहा, और घर पर रिएक्शन दूसरा था उसका, तू तू करके बातें कर रहे थे। तो हम लोग रियल कर रहे हैं क्योंकि हम लोग के बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे मतलब मेरे खुद की औलादें सुनेंगे, हमारे भाई बहन सुनेंगे, मेरे माँ बाप सुनेंगे, तो सच बोलें, आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं वास्तव में या खाली एक्टिंग कर रहे हैं? सर अपने वास्तव में मम्मी पापा से। शुक्रिया बेटा, गुड। क्या बनना चाहते हैं आप? सर बनना तो चाहते, हाउसवाइफ बनना चाहती हैं? नो सर बनना चाहते थे बट हाउसवाइफ नो सर, हम थोड़ा मतलब बैंकिंग लाइन में जाना चाहते थे, फिर सर आर्थिक स्थिति हमारी सही नहीं रही, जब हमने सोचा तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए, अरे अरे अरे, इस वजह से हमने कंप्यूटर ही ज्वाइन कर लिया कि हाँ कहीं वक्त ज़रूरत पड़े तो हम बैठे ना। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, हम तुबा के बारे में तारीफ अपने मुँह से करेंगे। तुबा हमेशा लग्जरी ज़िंदगी जीती आई हैं, सोने में बहुत धाकड़ हैं, अगर तुबा वक्त से में लेट आ रही हैं यानी सो के आ रही हैं, तुबा को पाएँ तो हाँ, तुबा को गर्मी में गर्मी बहुत लगती है और सर्दी में सर्दी भी बहुत लगती है। तुबा जी सर, खुद से कितना ईमानदार हैं, इस क्वेश्चन को हम क्यों बार बार कर रहे हैं? सर खुद से तो हाँ ईमानदार हैं, ये खुद से ईमानदार क्या होता है मतलब कि आपने कितना? हमने ये बार बार कह रहे हैं, क्या दो तीन बार मुंह धो लेना खुद से ईमानदार होता है? नो सर। ठीक, मुंह हाथ दो चार बार आईने में देख लेना ईमानदार होता है? नो सर। तो वास्तव में खुद से ईमानदार क्या होता है? कि हम किसी चीज़ से झूठ ना बोलें, किसी बात को लेके झूठ ना बोलें, हम खुद से ईमानदार कि किसी से हम झूठ ना बोलें और हम जान दें कि हम क्या हैं, हमको सच बोलना है। हाँ वही, वाह मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया तुबा, बहुत बढ़िया तुबा ने बहुत अच्छे जवाब दिया, बड़े सुलझे मिजाज से जवाब दिया। वैसे भी हमारी तुबा बोलने में धाकड़ हैं वो तो मुझे पता पहले से है, हमारे ऑडियंस को भी पता है, बहुत बढ़िया। मिलते हैं एक नए बच्चे के साथ, थैंक यू।